तो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है मोहित और आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे सुपर कूल ट्वीक्स जिनको आप अपने आईफोन में सीडिया के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो और अपने आईफोन को दूसरों से काफ़ी ज़्यादा कूल और अलग बना सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने अभी तक जेल ब्रेक नहीं किया है तो आप इधर ऊपर आई बटन में क्लिक करके सिर्फ 2 मिनट के अंदर जेल ब्रेक कर सकते हो। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला ट्वीक है ऑसम पेज डॉट्स। तो बेसिकली ये करता ये है कि आप जब भी अपने फ़ोन के होम पेज को स्क्रॉल करते हो तो नीचे जो 3 या 4 डॉट्स रहते हैं वो जब मूव करते हैं तो उनके एनिमेशन को एडिट करता है। वहाँ पे आप अपने हिसाब से उस एनिमेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल और आप उधर चेक कर सकते हो। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। तो हमारा सेकेंड ट्वीक है होम प्लस। होम प्लस बेसिकली करता है ये कि ये आपके होम स्क्रीन को एडिट करता है। आप अपने आइकन्स के बीच में जो स्पेस है उसको एडिट कर सकते हो, अपने आइकन्स को थोड़ा ऊपर ले जा सकते हो, नीचे कर सकते हो, फेड कर सकते हो। ऑलमोस्ट अपनी पूरी होम स्क्रीन को वहीं से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो। होम प्लस को ज़रूर चेकआउट करना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कूल ट्वीक है अभी तक का। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट ट्वीक है उसका नाम है सेंटर। सेंटर बेसिकली करता है कि ये आपके आइकन्स को आपकी स्क्रीन के सेंटर में ले आता है। मतलब अगर आपकी स्क्रीन में एक आइकन है, अब अगर आपने एक नेक्स्ट स्क्रीन में सिर्फ एक आइकन छोड़ा तो वो भी स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। अगर आप उसके ऊपर एक और आइकन, मतलब स्क्रीन पर 2 आइकन्स डालोगे तो वो भी पूरी स्क्रीन के सेंटर में रहेंगे। यहाँ तक कि आपके जो फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स के अंदर भी जितने भी आइकन्स हैं वो भी सेंटर में रहेंगे। तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा कूल लगता है, इसको भी चेकआउट करो। गाइस मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जितने भी ट्वीक्स हैं उनका नाम मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और इसके जस्ट बगल में ब्रैकेट में मैंने सोर्सेस की लिंक भी डाली हुई है। अगर आपको सोर्सेस ऐड करना नहीं आता है तो आप ऊपर इधर आई बटन में क्लिक करके, या फिर उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप सोर्सेस ऐड करना सीख सकते हो। गाइस हमारा नेक्स्ट वीक है रियल सीसी। रियल सीसी बेसिकली करता है ये हमारे कंट्रोल सेंटर से ब्लूटूथ और वाईफाई को डायरेक्टली ऑफ करने में मदद करता है। मतलब अब आप कंट्रोल सेंटर से डायरेक्ट अपने वाईफाई और ब्लूटूथ को परमानेंटली ऑफ कर सकते हो। इससे पहले आप जब भी क्लिक करते थे तो वो थोड़ा सा ग्रेइश हो जाता था और वो टेम्परेरली ऑफ हो जाते थे और 12 घंटों के बाद वो फिर से चालू हो जाता था। बट अब रियल सीसी के बाद ऐसा नहीं होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीक की तरफ। हमारा नेक्स्ट वीक है स्मॉल सीवी। स्मॉल सीरी बेसिकली करता है यही कि इससे आप जब भी सीरी ऑन करोगे तो वो पूरी स्क्रीन में ना छोटी सी पट्टी में आएगा और वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है एज कम्पेयर टू पूरी स्क्रीन वाले सीरी से। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्वीक की तरफ। हमारा नेक्स्ट ट्वीक है क्लीन होम स्क्रीन। क्लीन होम स्क्रीन अपने नाम के हिसाब से ही काम करता है, वो हमारी होम स्क्रीन को क्लीन करता है हमारे हिसाब से। वहाँ पे जाके आप अपनी स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको अपने आइकन्स लेबल चाहिए कि नहीं चाहिए, नाम लिखे रहते हैं आइकन्स के वो चाहिए कि नहीं चाहिए, और स्टेटस बार और डॉक सब कुछ वहाँ से आप इजीली मैनेज कर सकते हो। और अगर आप सारे टॉगल्स ऑन करके सब कुछ हाइड कर देते हो तो ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल दिखता है। और बिना डॉक के आईफोन का जो होम पेज है वो तो अल्टीमेट लगता है और दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अलग भी लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीक की तरफ। हमारा नेक्स्ट वीक है एक्सॉन। ये आपके लॉक स्क्रीन में जो नोटिफिकेशंस आते हैं उनके ग्रुप्स को कॉलम बाय कॉलम शो करता है और कॉलम में सारे नोटिफिकेशंस आते हैं उस ऐप के और ऊपर आइकन भी आता है। तो ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। हमारा नेक्स्ट वीक है सिलेंडर। सिलेंडर बेसिकली करता है ये कि जब भी हम अपने आइकन्स को स्क्रॉल करते हैं, अपना होम पेज जो है वो स्क्रॉल करते हैं, तब ये एक बहुत ही कूल एनिमेशंस देता है और इसमें बहुत सारे एनिमेशंस हैं जिनको आप अपने आईफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस जो हमारे आखिरी 2 ट्वीक्स हैं ये बेसिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहले आपको अपने सीडिया में जाके वॉलपेपर लोडर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमारा जो पहला ट्वीक है वॉलपेपर लोडर, उसको इंस्टॉल करने के बाद हमारा सेकेंड ट्वीक मतलब कि डार्क पेपर्स, इसको इंस्टॉल करना है। इससे बेसिकली होता है जो आपके फ़ोन की सेटिंग्स का जो वॉलपेपर सेक्शन होता है वहाँ पे स्टिल्स में अगर आप क्लिक करते हो और नीचे जाके देखते हो तो आपके पास बहुत सारे डार्क मोड वॉलपेपर्स की भरमार आ जाती है। और उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी आपका डार्क मोड ऑन होगा वो वॉलपेपर नाइट मोड में कन्वर्ट हो जाता है। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है और डेवलपर्स का कहना है कि उसमें काफ़ी सारे वॉलपेपर्स अभी आने बाकी हैं। तो गाइस ये थे हमारे 10 ऐसे सुपर कूल ट्वीक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन और इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबाना तो मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।